पूछे तुमसे। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, मुझको इतना सम्मान दिया मेरे लाडले कह दुलार जिया। मुझको इतना सम्मान दिया मेरे लाडले कह दुलार दिया। मेरे इन भूलों को माफ किया से श्रृंगार किया। सांसों में समाए हो बाबा, भूल सकते नहीं तुम्हें भूल से। जो प्यार मेरा मुझे तुमसे, तन है यहाँ मेरा मन है वतन। उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग, तन है यहाँ मेरा मन है वतन। उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग, प्रभु प्रेम की इन किरणों से हो रहा है अंग अंग। अब पैर जमीन पे नहीं रहते जब छूटा माया के चंगुल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे। ओम शांति। ओम शांति। आज हम सभी के लिए बेहद खुशी की बात है ने? टाइटल आज का है कि प्रेम का पात्र कैसे बने है? तो हमारे कुंती दीदी एक प्रेम का स्वरूप है ना। सच में आपको उनको देख के वो भासना आएंगी। प्रेम ऐसी चीज है जैसे कई बार हम सोचते हैं आत्मा का भोजन प्रेम है, प्रेम जरूरी है, प्रेम बिना कुछ आगे चलता नहीं है। तो कुंती दीदी ये जो सब आपके सामने बैठे हैं, यदि हो सके तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ अपना जूम का कैमरा चालू करें ताकि आप कुंती
कुंती दीदी से दृष्टि ले सकते हैं। तो कुंती दीदी, आपके जहां सामने जो भी बैठे हैं, ये हमारा सैन फ्रांसिस्को का अनुभूति का परिवार है। हम धन्य हो गए कि सच में, मैं ये कहती हूँ कि आजकल हम अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करते हैं एज के हिसाब से, बिना ट्रैवल के, बिना टिकट के भगवान पहुंचा देता है। तो यहाँ जो भी बैठे हैं, सारे यूएसए से बाबा के बच्चे बैठे हैं, और मोस्टली जो आपके सामने बैठे हैं वो करीब 1.5 साल में बाबा का ज्ञान लिया है, जब से कोविड शुरू हुआ है। तो बाबा के काफी कोविड बच्चे हैं जो भगवान ने जन्म दिया है, तो उनके सामने आपका मैं दिल से स्वागत करती हूँ। हमारे कुंती दीदी 1968 से, जो काफी तुम सोच भी नहीं पाती इतना पीछे, जब सिर्फ उनकी 12 साल की आयु थी, तब से वो ज्ञान में चले हैं। आप सोचो कि 12 साल की आयु में दिल में कौन से बाबा की प्यार की छाप पड़ी होगी, जो उसने अपना जीवन इस ईश्वरीय कार्य में सरेंडर कर दिया। 1972 से इस ईश्वरीय कार्य में वो निमित्त है। फिलहाल वो अभी मलाड, जो बॉम्बे में सब जोन है, वहां के निमित्त है, लेकिन भगवान ने इन्हों को कई ऐसे अनोखे सेवा के कार्य के लिए निमित्त बनाए हैं। जैसे कि इन्हों का, वैसे तो वो खुद अपने जो ब्रह्म कुमारी की जो हमारी हमारी मेडिकल विंग है, उनके भी वो इंस्ट्रूमेंट है, रिलीजियस विंग के भी इंस्ट्रूमेंट है। और इनकी विशेषता ये है कि उनकी 3 बहने इस ईश्वरीय ज्ञान में चलती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, लेकिन करीब 35 फैमिली मेंबर्स बाबा के इस ज्ञान में चलते हैं, वो कोई कम बात नहीं है। 35 मेंबर्स, साथ साथ इतना भी सत्य है कि बहन निमित्त है, काफी काफी आगे वो मेडिकल कैंप का भी कारोबार संभालते हैं, स्पोर्ट्स रैली का भी करते हैं, रोड सेफ्टी का भी करते हैं, और टच द लाइट एक प्रोग्राम जो प्रमा कुमारी ने चलाया था, वो करीब दीदी ने 13 स्कूलों में ये कार्य चलाया है। तो ऐसे तो अगर पढ़ू तो लंबा चौड़ा लिस्ट है जो भगवान ने दीदी को निमित्त बनाया है। तो आज हम बिल्कुल धन्य हो गए कि आप हमारे साथ आए हो। सो दिल से हम सब आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। सो थैंक यू दीदी आने के लिए। तो शुरू करते हैं, आप जैसे ठीक समझो, 1 घंटा आप ले सकते हैं, 50 मिनट 1 घंटा, उसके बाद 50 मिनट 1 घंटा हर्जा नहीं है। उसके बाद यदि इनों को कोई प्रश्न है तो प्रश्न उत्तर कर सकते हैं, और यदि इसके अंत में आप चाहे तो आप 5-10 मिनट मेडिटेशन कमेंट्री करा सकते हो, आप जैसे ठीक समझे। तो आपका स्वागत है। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति। अनुभूति सेवा केंद्र के, रिट्रीट सेंटर के भाई बहनों को बहुत बहुत ओम शांति। आज आपको, आपने हमको वहां बुलाया अमेरिका में, और हमने आपको बॉम्बे में बुलाया। बहन ने बताया कि कितना, देखो, विदाउट ट्रैवलिंग मन की यात्रा। हम देखो सभी एक दूसरे के पास पहुंचे हैं, मन की यात्रा से पहुंचे हैं, उसको भी प्रेम कहते हैं। पर प्रेम के पात्र में पहली बात तो ये भी आता है कि हम एक दूसरे के पास विज्ञान के साधनों के द्वारा भी कब पहुंच सके, कब हमारी बात हो सके, जब हमारा आपसी प्रेम होता है। इसलिए ठीक ही किसी ने कहा है कि प्रेम किया नहीं जाता है लेकिन हो जाता है। जब किसी का परिचय हमारे पास होता है, परिचय मिलने के साथ ही हम उनके संबंधों में आते हैं और हो जाता है। बाबा ने भी हम बच्चों को ज्ञान दिया, तो ज्ञान माना कि प्रेम है। जब बाबा ने ज्ञान दिया तो बाबा के ज्ञान को समझने के साथ साथ हमारा बाबा के साथ प्रेम हुआ, और वह प्रेम बढ़ते बढ़ते हम ज्ञान को और समझने लग गए, और जब ज्ञान को और समझने लगे तो हमने परमात्मा के प्रेम को खींचा। इसलिए बाबा कई बार हम बच्चों को कहते हैं कि बाबा अब बच्चों को देख रहा है कि कैसे बच्चे अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, कैसे दौड़ दौड़ करके बच्चे आ रहे हैं,
तो सब बच्चे जो दौड़ करके आ रहे या पुरुषार्थ कर रहे हैं वो किस आधार पर? हम सभी प्रेम के आधार पर ही तो बाबा के पास दौड़ दौड़ करके आ जाते हैं। तो इसलिए बाबा भी कहता कि जैसे देखो कोई साधन अगर कहीं बाहर से आता है तो वो सज्जनी कितनी खुश हो जाती है, बहुत खुश हो जाती है। ऐसे ही हम आत्माएं भी जब यहाँ पर परमधाम से बाबा आया और आकर के ज्ञान दिया तो स्वाभाविक है कि जो हमारी आंतरिक खुशी है वो आंतरिक खुशी होती है, आंतरिक प्रेम हमारा बाबा के साथ वो जागृत होता है। क्योंकि बाबा के साथ हमारा सिर्फ एक संबंध नहीं है लेकिन बाबा के साथ हमारे सर्व संबंध है। मुरलियों में भी हम सुनते हैं तो बाबा कहते बच्चे सर्व संबंध मेरे से जोड़ो। कभी बाबा कहता कि बच्चे मैं तुम्हारा बाप भी हूँ टीचर भी हूँ। तो यहाँ पर अगर हम बाबा के संबंध को देखें तो बाबा हमें रोज सुबह सुबह मीठे बच्चे चिकिलादे बच्चे लाडले बच्चे विभिन्न शब्द को यूज करते हुए हमें बाबा पुकारता है। और सुबह सुबह आकर के आप देखो इतना बड़ा पत्र लिखना सुनाना किसी लौकिक बाप ने भी नहीं किया होगा। वर्तमान समय हम देखते हैं कि लौकिक पिता को भी समय भी इतना नहीं होता, न बच्चों को समय होता है, दूर से ही हाय हेलो कर देते हैं। लेकिन हमारा बाबा कितना वंडरफुल है कि खास परम धाम से इतना माइल दूर से आकर के हम बच्चों को पढ़ा रहा है। तो वो क्यों पढ़ा रहा है, क्यों बाबा हमें इतना प्यार दे रहा है? तो वास्तव में देखा जाए तो बाबा ने हमारे किसी कमी अवगुण या बुराइयों को वह नहीं देखा, क्योंकि बाबा जानता था कि 63 जन्मों के संस्कारों के अनुसार हमारे में क्या क्या बुराइयां हैं, हम कितने पतित बन गए, इतना पतित पना अंदर आ गया, लेकिन उन किसी भी बातों को बाबा ने नहीं देखा। बाबा ने हमें यह देख करके ज्ञान दिया कि देव आत्माएं हैं, उस देव स्वरूप को देख करके, उस घराने की आत्माएं हैं, उस स्वरूप को देख करके बाबा ने ज्ञान दिया। बाबा के अंदर हम आत्माओं के प्रति रहम तरस करुणा दया की भावना जागृत हुई। तो ये प्यार है, जब उसे ऐसा प्यार हमारे प्रति जागृत हुआ तो बाबा ने हमें ये ज्ञान दिया, माना किन्हीं भी बातों को नहीं देखा। लेकिन आज जब हम किसी को देखते हैं तो हमारे मन के अंदर आता ये ऐसा है, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि 63 जन्म के संस्कार वो आत्मा के अंदर हैं। तो उस आधार से वो ऐसा ऐसा होगा। यहाँ बाबा के पास वो आया ही इसलिए है कि उस ज्ञान को सुन करके, उस ज्ञान को खींच करके, परमात्मा प्यार को खींच करके वो अपने अंदर परिवर्तन करेगा। ऐसा ऐसा होता नहीं तो वो यहाँ आता भी नहीं, लेकिन वो ऐसा है, वो अपने आप को परिवर्तन करने के लिए आया है और वो परिवर्तन कर रहा है। देखो हम लोगों ने तो भक्ति मार्ग में परमात्मा को सर्वव्यापी कह करके भी गालियां दिया, तो क्या परमात्मा ने हमारी उस गाली को देखा? नहीं, उसे भी बाबा ने नहीं देखा। तो इसलिए बाबा हमें ये सिखाते हैं कि परमात्मा के साथ भी प्यार, ब्राह्मण परिवार के साथ भी हमारा प्यार, वो कैसे होगा कि जब हम इन किसी भी बातों को देखते हुए भी नहीं देखेंगे। तो इतना वंडरफुल बाबा हमें जो इतना मुरलियों के द्वारा इतना बड़ा बड़ा पत्र रोज लिख रहा है, तो क्या उस पत्र के प्रति मेरा प्यार है, उस मुरली के प्रति मेरा प्यार है? लौकिक में कहते हैं कि अगर एक साधक अपनी सजनी को पत्र लिखता है तो वो पत्र कितनी बार पढ़ती है, छिप छिप करके भी पढ़ती है, उसमें उसका प्यार भरा हुआ होता है। तो क्या परमात्मा जो मुझे रोज इतना बड़ा पत्र लिख रहा है, रोज इतनी अच्छी मीठी मीठी बातें सुना रहा है, तो क्या परमात्मा के प्रति मेरा इतना प्यार होना चाहिए कि कम से कम एक बार हम सेंटर पर मुरली सुने,
और सारे दिन में एक बार हम स्वयं उस मुरली को पढ़े तो ही तो प्यार जागृत होगा ना। जैसे उसको सजनी को कैसे प्यार आया, बार बार वो पढ़ती रही, भले दो ही अक्षर का लिखा है और ये तो कितना बड़ा पत्र है। तीसरी बात, तीसरा संबंध भी हम देखें बाबा के साथ का, तो बाबा सतगुरु के रूप में भी हमें रोज मुरली में वरदान दे रहा है। तो जो वरदानों से मेरी झोली भर रहा है, जो मुझे कदम कदम पर श्रीमत देख करके चला रहा है कि मीठे बच्चे ऐसे करो, मीठे बच्चे ऐसे करो, अब तुम ऐसे चलो, अपने अंदर ऐसी धारणाओं करो, जो कदम कदम पर मुझे शिक्षाएं दे रहा है, तो हम देखें कि उस सतगुरु के साथ भी मेरा कितना संबंध है। तो प्यार पाने के लिए सबसे पहले आवश्यक होता है उसके साथ अपने संबंधों को जोड़ना। जब तक हमने किसी के साथ संबंध नहीं जोड़ा है तब तक हम उस प्यार को अपने अंदर पा नहीं सकते हैं। जैसे लौकिक में भी कहते हैं कि माँ बाप के साथ बच्चे का संबंध है तो मातृत्व प्रेम और पितृत्व प्रेम किसको कहा जाता है, वो उसका अनुभव करता है। भाई के साथ संबंध जोड़ता है तो भातृत्व प्रेम का वो अनुभव कर सकता है। परमात्मा के लिए सिर्फ हम कहें कि वो हमारा माता पिता है, वो मेरा बंधु सखा है, इतना कहने के साथ हम बाबा के उस प्यार को अनुभव नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे आपने संबंध जोड़ा है, हमें अगर ईश्वर के प्यार को पाना है, मुझे उसका पात्र बनना है, तो पहली बात आएगी कि मैं उसके साथ अपना संबंध जोड़ूं। इसमें भी पहली बात यह भी आ सकती है कि उस परमात्मा के प्रति मेरा निश्चय कहाँ तक है, और निश्चय के साथ साथ सिर्फ उसके प्रति निश्चय नहीं, लेकिन वो जो ज्ञान दे रहा है उस ज्ञान में भी मेरा निश्चय हो। तो जितना जितना निश्चय होता है उतना उतना हम उसे याद करते हैं, और जितना हम याद करते हैं उतना हमारा संबंध जुटता है, और जितना हमारा संबंध जुटेगा उतना हम उस अपने अंदर उस प्यार को खींच सकते हैं। तो हम स्वयं को देखें कि मैंने संबंध को जोड़ा, या दुनिया जैसे संबंध का वर्णन करती है, मैं आत्मा भी सिर्फ वैसा ही वर्णन करती हूँ। तो अब मुझे वर्णन नहीं करना है लेकिन उसके साथ मेरा संबंध जोड़ना है। तो निश्चय के आधार पर हम संबंधों को जोड़े और परमात्मा प्रेम को प्राप्त करें। लेकिन उस प्रेम को पाने के लिए जैसे कहते हैं एक बर्तन हो, लेकिन वो बर्तन में कहीं मिट्टी लगी है, खराब है, और आपको उसके अंदर खाने की चीजें डालनी है, तो आप खाने की चीजें नहीं डालोगे, क्योंकि कहेंगे कि बर्तन मिट्टी वाला है, ये बर्तन मैला है। खाने की इच्छा तो है, समझो आपको दूध पीना है, चाय पीनी है, या उसमें आइसक्रीम खानी है, कोई भी चीज आपको खानी है, लेकिन उसमें मिट्टी लगी हुई है, तो क्या आप उसमें डाल करके खा सकते हो? नहीं खा सकते हैं। तो कहेंगे खाने की इच्छा परंतु बर्तन मैला है। ऐसे ही परमात्मा के प्यार को पाने की इच्छा है, हम सभी चाहते हैं कि मुझे परमात्मा का प्यार मिले, लेकिन वो परमात्मा का प्यार हमें मिलेगा तब जब परमात्मा के प्यार को पाने के लिए मेरा बुद्धि रूपी पात्र है वो साफ हो। इस बुद्धि रूपी पात्र के अंदर किसी भी प्रकार की मैल ना हो, किसी भी प्रकार की मिट्टी, यानी नेगेटिव विचारों की मिट्टी है, पुराने संस्कारों की मिट्टी है, ईर्ष्या द्वेष की मिट्टी है, किसी के प्रति वैर विरोध की मिट्टी है, नफरत की मिट्टी है, कई प्रकार की मिट्टी है, अगर मेरे इस पात्र के अंदर वो मिट्टी भरी हुई है, नकारात्मकता की मिट्टी भरी हुई है, तो परमात्मा का प्यार वो कहाँ जाएगा। इसलिए परमात्मा के प्यार को पाने के लिए बाबा ही कहता कि बच्चे आप इस मिट्टी को हटा दो। जब हम इस मिट्टी को हटा देते हैं तो हम उस परमात्मा प्यार को खींच सकते हैं। लेकिन मिट्टी हटेगी कैसे?
तो इस मिट्टी को हटाने के लिए बाबा ने हम बच्चों को बताया कि बच्चे स्वयं को आत्मा समझो, अपनी आत्मिक स्थिति। हम इस देह को देखते हैं तो ये मिट्टियां हमारे अंदर आ रही हैं, लेकिन आप इस देह से अपने आप को डिटैच कर दो। किसी से भी मेरा लगाव नहीं, किसी से भी मेरा झुकाव नहीं, बस मेरी बुद्धि के अंदर एक ही बात हो कि मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। जहां मेरे मेरा बाबा ही एक है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि मेरा संसार ही बाबा है, बाकी सारा संसार वो असार है, इसमें कोई सार नहीं है। जब ये बात हमारे मन के अंदर स्पष्ट होती है तो हमारा ये पात्र साफ हो सकता है, और जब वो पात्र साफ होगा तो परमात्मा के ज्ञान को हम समझने लगते हैं और परमात्मा के प्रति मेरा प्यार वो बढ़ता जाता है। इसीलिए किसी ने ठीक ही कहा है कि प्रेमी भर कर प्रेम से ईश्वर के गुण गाया कर, मन मंदिर में गाफला झाड़ू जोश लगाया कर, कि परमात्मा के साथ मेरा प्रेम है और उस प्रेम को मुझे अपने अंदर भरना है तो मुझे क्या करना होगा। तो कहा कि झाड़ू जो लगा कर, तो कहाँ झाड़ू लगाए, घर का झाड़ू, ऑफिस का, शॉप का, कारखाने का, सब लगा सकते हैं, लेकिन कहा कि मन मंदिर में गाफला झाड़ू रोज लगाया कर। तो मन मंदिर, यहाँ हमारे मन के मंदिर के अंदर हम देखें कि वहां पर वो गाफला है, वहां गाफला है, मन मंदिर में मैल है, तो वहां पर हम देखें उसको मुझे साफ करना है। तो उसको साफ करने के लिए क्या आवश्यकता है, उसको साफ करने के लिए कहा कि झाड़ू रोज, माना हमारी चार, बाबा हर मुरली के अंदर हमें ध्यान खिंचवाते हैं कि बच्चे रोज चार्ट चेक करो, रोज चार्ट चेक करो कि आज मैंने किसी को दुख तो नहीं दिया। अभी अभी हम सभी ने अव्यक्त वाणी सुनी थी, तो जिसमें बाबा ने कहा कि बच्चे भोलेपन से अपने चार्ट को चेक करते हैं कि मैंने किसी को दुख नहीं दिया, लेकिन बच्चे ये चेक नहीं करते हैं कि मैंने कितनों को सुख दिया, किसी को सुख दिया, वो भी हम चार्ट चेक करें। क्योंकि मेरा परमात्मा से प्यार है, तो मुझे परमात्मा से प्यार पाने के लिए और मेरा प्यार उसके साथ व्यक्त करने के लिए आवश्यक है अपने मन मंदिर को मैं साफ करूं। देखिए मंदिर में भी लोग तब जाते हैं, मंदिर का खिंचाव भी तब होता है जब मंदिर भी साफ है और मूर्ति भी साफ है। एक मंदिर बहुत साफ है लेकिन उसकी मूर्ति इतनी अच्छी नहीं है, तो भी कहते मंदिर तो अच्छा है, साफ है, लेकिन उसकी मूर्ति है ना वो ऐसी है। कभी कभी मूर्ति बड़ी अच्छी होती है लेकिन मंदिर चिकना होता है, गंदा होता है, तो भी जाने का मन नहीं करता। तो ऐसे ही हम देखें कि मेरा मन मंदिर वो साफ है, वो साफ है। अभी अभी देखो दिवाली आ रही है, तो एक लक्ष्मी का आह्वान करने के लिए हर घर के अंदर कितनी सफाइयां करते हैं, कोने कोने की सफाई करते हैं कि यहाँ कितना न रह जाए, यहाँ न रह जाए। क्यों? कि लक्ष्मी आने वाली है। तो एक लक्ष्मी से भी कितना प्यार है, उस धन की देवी के साथ भी कितना प्यार है, और उसके आह्वान के लिए हम इतनी सारी सफाइयां करते हैं। तो उस भगवान को जब मेरे मन मंदिर के अंदर बिठाना है, मेरे मन मंदिर के अंदर अगर मुझे उसे स्थान देना है, तो हम देखें कि क्या ये मन मंदिर मेरा साफ है। इस मेरे मन मंदिर के अंदर किसी भी आत्मा के प्रति कोई अशुभ भाव भी न हो, क्योंकि वह अशुभता वो अशुद्धता को लाएगी, और जहां अशुद्धता है तो वहां तो प्रेम हो ही नहीं सकता है। इसलिए मुझे अशुभ भाव को भी अपने मन के अंदर नहीं लाना है, इतने मेरे मन मंदिर के मूर्ति को स्वच्छ बनाना है। और बाबा के संबंधों में अगर हम आगे बढ़े
तो कभी कभी बाबा ये भी कहता है कि बच्चे मैं आपका साजन हूँ। तो हम देखें कि कहाँ तक हमने बाबा के साथ उस साजन और सजनी के रूप को संबंधों को निभाया है। सजनी का ये कर्तव्य हो जाता है कि वो सिर्फ एक साजन उसके साथ ही अपनी प्रीत रखती है, वो किसी और के साथ अपनी प्रीत नहीं रख सकती। तो हम देखें कि क्या मेरे मन के अंदर भी सिर्फ एक बाबा, सिर्फ एक बाबा और कोई भी नहीं है। और अगर मुझे कोई याद आया तो वो व्यभिचारी हो जाएगा, तो वो प्यार के पात्र नहीं बन सकता है। अव्यभिचारी पत्नी ही पति के उस प्यार को प्राप्त कर सकती है। तो क्या हम भी बाबा के साथ ऐसे अव्यभिचारी हैं? सिर्फ एक बाबा। तो हम कभी साधन के रूप को देखें, कभी कभी बाबा कहता कि बच्चे बाबा आपका बच्चा भी है, तो क्या हम सभी ने बाबा को बेटा भी बनाया है? अगर वो मेरा बेटा है तो ऐसा स्वीट चाइल्ड, ऐसा मीठा बच्चा सारे कल्प में नहीं मिला, वो अभी इस संगम युग पर ही हमें मिला है। तो जब संगम युग पर ऐसा मीठा बच्चा मिला तो क्या मैंने उसके लिए तन मन धन सब कुछ विल कर दिया? अगर मैं उस संबंध को जोड़ू तो ये सब कुछ जो कुछ भी है वो सारा उस बच्चे के लिए है। सारी प्रॉपर्टी का मालिक वो बच्चा है। तो भी आप देखो कि यहाँ वहां सारी बातों को, भौतिक साधनों को, भौतिक पदार्थों को अपनाते हुए भी हमारा मन और हमारी बुद्धि वो एक बाबा में लगी रहेगी। तो वो हमने कहाँ तक लगाई है, कहाँ तक हमने उसके साथ उस संबंध को जोड़ा? तो जिस संबंध को हम देखें तो उस संबंध में एक बाबा है। दूसरा बाबा ये भी कहता कि बच्चे बाबा आपका लवली फ्रेंड है, बड़ा प्यारा फ्रेंड है, प्यारा मित्र है आपका। तो हम लोग भी जीवन के अंदर कहते हैं ना कि ये मेरा मित्र है। तो उस मित्र को हम सारे दिल की बातें सुनाते हैं, मेरे घर में ऐसा हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, इतनी इतनी बातें भी। कई बार हम अपने माँ बाप को भी नहीं सुनाते लेकिन अपने फ्रेंड को सुनाते हैं। तो बाबा को क्या मैंने ऐसा फ्रेंड बनाया जो मैं सारी अपने दिल की बात उसके साथ शेयर कर सकूं? आप देखिए, इससे बढ़कर के इतना लवली फ्रेंड वो भी कोई नहीं हो सकता। बाबा कितना लवली फ्रेंड है मेरा, कितना प्यारा मित्र है मेरा। तो उसके साथ सारी मैं दिल की बातों को शेयर करूं तो मैं उस मित्रता का भी अनुभव अपने जीवन के अंदर कर सकती हूँ। आप जानते होंगे शायद, यहाँ जैसे शास्त्रों में भी बताया जाता, श्री कृष्ण और सुदामा का, कहाँ सुदामा इतना गरीब साधारण था और श्री कृष्ण कहाँ महाराज कुमार स्वर्ग का बताया गया, लेकिन उन दोनों का भी आपस में कितनी मित्रता थी। शास्त्रों में तो दिखाते हैं कि जब सुदामा श्री कृष्ण के पास पहुंचा और श्री कृष्ण को जब संदेश मिला कि सुदामा आया है, तो कैसे सारी सुध-बुध को भूल गया और दौड़ दौड़ करके सुदामा के पास पहुंचा। ये मित्रता का प्रेम। तो बाबा भी हम बच्चों के लिए ऐसे ही, जिस समय उन्हें भी हमारा पता चलता तो वो भी हमारे लिए दौड़ दौड़ करके आ रहा। वो मित्र भी हमें समय प्रति समय हर बातों में वो मदद भी करता है। एक बार किसी एक ने भगवान से कहा कि क्या आप मुझे मदद करते हैं तो मुझे कैसे पता चले कि आपका प्रेम मेरे पर है और उस प्रेम के खातिर आप मुझे मदद कर रहे हैं? तब भगवान ने कहा कि जब तुम चलते हो तो जहां जहां तुम चलते हो तुम्हारे आगे अगर दो पैर दिखाई देते हैं तो तुम समझ जाना कि भगवान तुम्हें मदद कर रहा है, भगवान का तुम्हारे से प्यार है। एक बार उसके पास बहुत विपरीत परिस्थितियां आई और उन विपरीत परिस्थितियों में वो इतना उलझ गया, बहुत उलझ गया। विपरीत परिस्थितियों में चलना ही उसके लिए मुश्किल था और तब उसने देखा कि उसके आगे दो पैर भी नहीं दिखाई दे रहे थे।
कुछ समय के बाद जब उसकी विपरीत परिस्थितियां ठीक हुई तो उसने देखा कि वापस वो दो पैर दिखाई देने लगे। तब उसने भगवान से कहा कि कैसी मित्रता, ये कैसा प्यार तुम्हारा, कि जब मेरी विपरीत परिस्थिति थी तब तो तुम मुझे दिखाई भी नहीं दिया। तुमने कहा था मैं तुम्हें मदद कर रहा हूं, मैं तुझे प्यार करता हूं, तो मेरे पैर दिखाई देंगे, लेकिन ऐसी मित्रता कि तुम्हारे पैर भी दिखाई नहीं दिए, विपरीत परिस्थिति में तुमने मदद ही नहीं की। तब कहते हैं कि भगवान ने कहा कि हे वत्स, मैंने उस समय उस विपरीत परिस्थिति के समय पर तुमको अपनी गोद में उठा लिया था। इतनी अच्छी बात है, आप ध्यान से सुनिए कि उस समय परमात्मा ने कहा कि हे वत्स, मैंने तुझे अपनी गोद में उठा लिया था, इसलिए तुझे दो पैर जो आगे हैं वो तुझे दिखाई नहीं दिए, लेकिन अब तेरी परिस्थिति जो प्रतिकूल थी वो अनुकूल हो गई, माना जो बिगड़ी हुई थी अब ठीक हुई है, इसे अभी वापस मैंने तुझे गोद से उतार लिया, इसलिए तुझे अभी दो पैर वापस दिखाई दे रहे हैं। तो हम भी देखते हैं कि बाबा सचमुच हमारा मित्र भी है, कि जब जब हमारे पास कोई कोई ऐसी विपरीत परिस्थितियां आती हैं जो आप समझते हैं कि जीवन के अंदर चलना बड़ा मुश्किल है, जीवन के अंदर अब हम नहीं चल सकेंगे, हम बिल्कुल टूटने पर होते हैं, ऐसे समय पर वो हमें टूटने नहीं देता, वो हमें अलग नहीं कर देता, उस समय वो मित्र आकर के खड़ा हो जाता है और वो मित्र हमारी परिस्थितियों को दूर करता है। हम समझते हैं कि मैंने ऐसा किया ना तो ठीक हो गया, मैंने ऐसा किया ना तो ठीक हो गया, लेकिन नहीं, उस समय जो मेरे मन के अंदर आता है कि ऐसा करूं तो शायद ऐसा ठीक हो जाएगा, तो वो टचिंग, वो समझ, उस समय वो विचार वो बाबा दे रहा है। सामने वाला उस समय हमारी बातों को समझने लगता है और वो बात हो रही होती है तो हम देखें कि इसका मतलब ये होता है कि बाबा उस समय सामने वाले को टच कर रहा होता और हमारी परिस्थितियां वो अनुकूल हो जाती हैं। तो क्या ऐसा मित्र भी हमने बनाया है? कि जो मुझे समय पर आकर के ऐसी मदद करता है। समय पर कोई नहीं आता है, आप देखेंगे कि जहां सुख मिलता है वहां सब हमारे साथी बन जाते हैं, सब आकर के खड़े हो जाते हैं, लेकिन जिस समय दुख आता है उस समय कोई भी नहीं मिलता है, आपके घनिष्ठ लौकिक संबंधी वो भी नहीं खड़े होते हैं, वो भी कहते हैं हम क्या कर सकते हैं, हमसे तो नहीं हो सकता है, या तो मुंह ही नहीं दिखाएंगे, आप फोन करोगे तो आपका फोन नहीं उठाएंगे, आप उनके पास जाओगे तो ठीक से आपके साथ व्यवहार नहीं करेंगे। तो उस समय देखो वो भी आपके साथ मुंह मोड़ते हैं, लेकिन ऐसे समय पर बाबा ही एक ऐसा है जो आपको सच्चा साथ देता है, विपरीत परिस्थितियों में भी वो आपके साथ है। तो जो विपरीत परिस्थिति में साथ है तो उसके साथ मेरी प्रीत कितने, बाबा भी कहते हैं बच्चे प्रीत रखो, जहां प्रीत रखनी होती है तो प्रीत के कुछ नियम भी होते हैं, कुछ संयम भी होते हैं, तो नियम संयम मर्यादाओं को निभाना होता है, तो वो भी निभाता है, हम भी निभाते हैं, वो हमारे समय पर मदद करता है और हमारा निभाना माना हमारा ये है कि उसकी श्रीमत पर चलना, कदम कदम पर बाबा की श्रीमत पर चलना। तो जितना जितना हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं उतना उतना बाबा मुझे मदद करता है, मदद का हमें अनुभव भी होता है। आप सभी आज तक यहां तक पहुंचे हैं तो किस आधार से पहुंचे हैं, किसने मदद किया है, आप सब समझते ना, तो हम इतना आगे बढ़ गए, हमारी इतनी धारणाएं हो गई, अभी हम इस प्रकार से चल रहे हैं, अभी हम ये सेवा कर रहे हैं, तो आप इतना आगे जो आए तो वो आगे किस आधार पर आए,
तो ये आगे आने का आधार जो है वो है परमात्मा प्यार। अगर वो आपको प्यार से नहीं चलाता है, वो आपके साथ प्यार से बात नहीं करता। देखो आप सभी सेंटर पर भी आते हैं, तो सेंटर पर भी अगर बहन आपके साथ प्यार से ओम शांति का जवाब ओम शांति से ना दे है? तो आप आएंगे? आपने ओम शांति कहा लेकिन बहन का ध्यान नहीं है, वो किसी और से बात कर रही है, लेकिन आपने ऐसे में ओम शांति कहा तो उसका भी दोष नहीं था, लेकिन हुआ क्या कि आपको वो रेस्पॉन्ड नहीं मिला तो आपको लगा कि मैंने ओम शांति कहा लेकिन बहन ने जवाब ही नहीं दिया। तो उस बहन के साथ आपका संबंध क्या होगा? जवाब ही नहीं दिया, लेकिन वो बहन कहाँ बिजी थी वो मैंने नहीं देखा, इसलिए बाहर के रूप में। तो माना हम किस आधार से सेवा केंद्र पर आ रहे हैं? एक स्नेह और एक प्यार। एक बाबा मुरली में प्यार करता है, दूसरा सेंटर पर आते तो बहनों के द्वारा हमें प्यार मिलता है। उस प्यार के आधार से, स्नेह के आधार से ही हम आ रहे हैं। देखो बाबा ने सारी दुनिया के अंदर बाबा ने अपने केंद्र ऐसे बना करके रखे हैं कि जहां हमें स्नेह और प्यार मिल सकता है। बाकी तो किसी भी स्थानों पर जाओ तो स्नेह प्यार तो मिलता ही नहीं है, दूर दूर की भाषणाएं, नजदीक का अनुभव ही नहीं। और यहाँ बाबा हमें नजदीक का अनुभव कराता है। तो कभी कभी हम ऐसा भी कर सकते हैं, जब ऐसी बातें, विपरीत बातें आ जाएं, हम समझें कि अब मुश्किल लग रहा है, उस समय बाबा की गोद में आप बैठ जाओ। बाबा कहते ना कि कब उस समय आपने बाबा को बच्चा बनाया, लेकिन अब आप बाबा के बच्चे बन जाओ कि बाबा की मीठी गोद में बैठ जाओ कि बाबा आपने मुझे अडॉप्ट किया, मैं आपकी गोद का बच्चा हूँ, मैं आपकी गोदी में बैठा हुआ हूँ, मुझे आपका प्यार मिल रहा है। देखो तो बच्चा भी जब खेलने जाता या बाहर जाता, घूम फिर करके आता और वो माँ बाप की गोद में आकर के बैठता है, उसे सुकून मिलता है। ऐसे हम भी दिन भर कार्य किया, जो कुछ किया, फिर आकर के बाबा की गोद में हम बैठ जाए तो हमें भी उस प्यार का सुकून मिलता है। तो उस प्यार का सुकून हम अनुभव करने के लिए बाबा का बच्चा बन करके बाबा की गोद में बैठ जाए। हाँ, इतना जरूर है कि जैसे कहते हैं कि धूल के कण है, तो धूल के कणों का संबंध, संपर्क वो धरती से बना हुआ होता है। जो धूल मिट्टी होती है ना, तो मिट्टी के कणों का संबंध धरती के साथ बना हुआ है। जब हवा लगती है, तूफान लगता है, तो मिट्टी के कण भी उड़ते हैं, लेकिन आप देखेंगे वो उड़ेंगे थोड़ा सा ही उड़ेंगे, थोड़ा सा उड़ करके वो नीचे धरती पर गिर जाते हैं, वो ज्यादा दूर तक नहीं जाते हैं, क्योंकि वो धरती उनको खींचती है, क्योंकि उनके साथ उनका संबंध है, तो वो धरती उनको खींचती है। तो हम लोगों ने भी एक जन्म लिया, एक संबंधी मिले, दूसरा जन्म लिया, दूसरे संबंधी मिले, तीसरा जन्म लिया, मृत्यु की जन्म लेते हैं, तो हमारे संबंधी बदल जाते हैं, लेकिन सृष्टि के साथ मेरा संबंध है, इस सृष्टि के साथ मेरा संबंध है, और इस सृष्टि पर मेरा परमात्मा के साथ संबंध है। तो कितने भी हवा लगे, कितने भी तूफान लगे, कितने भी माया के वातावरण में हम आए, लेकिन उसका असर हमें नहीं होगा, हमें आकर्षण होगा परमात्मा का। इसलिए बाबा हमें मूल्यों में इशारा भी देते कि बच्चे किसी के साथ भी आपका आकर्षण न हो, किसी के साथ भी आपका लगाव झुकाव न हो। इसको दूसरे शब्दों में बाबा ये भी कहता कि बच्चे किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना, यानी कहीं पर भी मेरा अटैचमेंट ना हो। तो किसी के अटैचमेंट में मैं ना हूं, वो भी मुझे देखना। कोई बहुत अच्छा बोल रहा है, कोई देखने में बड़ा अच्छा है, किसी का व्यवहार बड़ा अच्छा है,
लेकिन मुझे इनमें भी नहीं, इस अटैचमेंट में भी नहीं, इस प्रभाव में भी मुझे नहीं आना है, इससे भी मैं ऊपर हो जाऊं। इसीलिए बाबा ने कहा कि बाबा है सत्यम शिवम सुंदरम, वो सत्य है। क्या आज की दुनिया के अंदर कोई सत्य है? सत्यता के साथ असत्यता भरी हुई है। दूसरी बात सुंदरम, इतना सुंदर भी, गुणों में सुंदर वर्तमान समय कोई भी व्यक्ति नहीं, वो बाबा है शिवम, वो कल्याण करने वाला। तो आप देखो कि ऐसा सत्य, ऐसा गुणों से सुंदर, सर्व का कल्याण करने वाला कोई भी इस संसार में नहीं है। तो मुझे जो आकर्षण हुई, मेरा जो कहीं लगाव गया, मेरी जो मन बुद्धि किसी के पास गई, तो आप देखिए कि कहाँ गई मेरी। तो मेरी मन बुद्धि तो मिट्टी के साथ गई, जो भी देहधारी है वो तो सब मिट्टी है, मिट्टी के पांच तत्वों के बने हुए पुतले हैं, तो मिट्टी का मिट्टी के साथ अटैचमेंट। लेकिन मेरी आत्मा का अटैचमेंट, मेरी आत्मा का कनेक्शन वो परमात्मा के साथ कितना, वो मुझे चेक करना है। तो जब मेरा कनेक्शन उसके साथ होगा तो ही तो मुझे उसका प्यार अनुभव होगा ना। प्यार का पात्र बनने के लिए हमें कुछ एक बातों को अपने अंदर ध्यान देना पड़ता कि सवेरे सवेरे उठ करके क्या मैं उस बाबा को याद करती हूँ, जिस नियम को, जिस संयम को भगवान ने मुझे बताया, तो क्या मैं उसको मानती हूँ। वहां से ही तो प्यार शुरू होता है, अमृत वेले से ही हमारा शुरू होता है कि मैंने उसका कहना माना और मैंने उसके प्रेम का, प्यार का अनुभव किया। सुबह सुबह हम देखें, उसके बाद इतना पढ़ा रहा है, उस पढ़ाई को देखें। तीसरी बात, जो जो हम कर्म करते हैं तो कर्म करते हुए भी कर्म कॉन्शियस नहीं बनना है, लेकिन बाबा ने कहा कि कर्म करते हुए भी कर्म योगी बनो, कर्म कॉन्शियस मत बनो लेकिन कर्म योगी। तो क्या मैं उस कर्म योगी के तरह अपने कर्म को करती हूँ, मैं कर्म से अटैच हो जाती हूँ या कर्म करते हुए कर्म से मैं डिटैच हूँ। बाबा हमें कमल फूल का भी उदाहरण देते कि कीचड़ में है लेकिन न्यारा है। मैं भी कर्म कर रही हूँ, सबके साथ हूँ, लेकिन मैं न्यारी हूँ, मैं अलिप्त हूँ, मुझे उनका प्रभाव नहीं पड़ता है। मैं अगर उनके प्रभाव में आ गई तो प्रभु प्रेम के अभाव से मैं दूर हो जाएगी। मुझे प्रभु प्रेम के प्रभाव में जाना है तो इन सब बातों से मुझे डिटैच होना होगा, वहां किसी से मुझे नहीं करना। और अगर हम बात देखें तो श्रीमत को मैंने कितना अपने जीवन के अंदर महत्व दिया है। बाबा ने जो मुझे ऊंची धारणाएं बतलाई हैं, उन धारणाओं को मैंने कितना महत्व दिया है। योग, मुरली, धारणाएं, कर्म में योग को शामिल करना, अपने निश्चय को रखना, सकारात्मक विचारों को करना, इन बातों को मैंने अपने जीवन के अंदर कितना स्थान दिया है जो मैं प्रभु प्रेम का पात्र बन सकूं। किसी के भी प्रेम को पाने के लिए हमें उनका सुनना होता, उनका समझना होता, तो मैं बाबा की बातों को कितना समझ रही हूँ, कितना उनकी बातों को मैं मानती हूँ कि मैं प्रभु के पात्र, प्रेम के पात्र बन सकूं। तो परमात्मा का प्यार एक ऐसा है जो कहते कि दुनिया के अंदर कोई नहीं दे सकता है। एक भक्त भक्ति मार्ग में भक्ति करते करते इतना प्रेम में लीन हो जाता, उस प्यार में वो खो जाता है, जबकि भक्ति मार्ग में हम देखते हैं अयथार्थ परिचय, यथार्थ परिचय नहीं है, अयथार्थ परिचय।
अयथार्थ परिचय होने के बावजूद भी वो उनके प्रेम में खो जाता है। यहाँ तो बाबा ने मुझे अपना यथार्थ परिचय दिया, तो उस यथार्थ परिचय के आधार से मैं कितना बाबा की याद में लीन रहती हूँ, मैं उस बाबा के प्यार में कितना रहती हूँ, क्योंकि परिचय है। तो यथार्थ परिचय के आधार से हमारा लव जागृत होता है और वो लव हमें हमारी लवली स्थिति में ले जाता है। तो हम देखें यहाँ मेरा बाबा के साथ लव कितना, प्यार कितना। वास्तव में देखा जाए तो बाबा के साथ प्यार है कोई बहुत बड़ी बात है। लोगों के साथ प्यार की बात एक अलग है, लेकिन परमात्मा के साथ प्यार की बात वो बहुत अलग है। लेकिन ये बड़ा आसान तरीका है, वो बड़ा आसान तरीका है कि हम परमात्मा के साथ प्यार कर सके। कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन मुश्किल हम बना देते हैं, है? तो हमने बनाया, तो इसलिए बाबा भी हमें कहता कि बच्चे आसान कैसे कर सकते हो। परमात्मा के प्यार को आसान करने के लिए बस परमात्मा की बातों को हम अपने जीवन के अंदर अपनाते जाए, अपनाते जाए, अपनाते जाए, तो हो सकता है। ऐसे कहते हैं ना कि गुरु जी ने अपने दो शिष्यों को बुलाया और वो दो शिष्यों को बुला करके कहा, क्योंकि उनके पिता ने गुरु के पास शिक्षा देने के लिए भेजा था, तो लास्ट परीक्षा थी उनकी, तो कहा कि तुम दोनों अलग अलग दिशा में जाओ और सुंदर सा किला बनाओ। और वो सुंदर सा किला बना करके एक वर्ष के अंदर आप बताना, जिसका किला सुंदर होगा आपका पिताजी आपको उत्तराधिकारी बनाएगा। तो गुरु ने इस प्रकार की उन्हें कहा कि जो सुंदर बनाएगा उसका पिता उसे उत्तराधिकारी बनाएगा। आपको राज्य से अशर्फियां चाहिए, उस समय अशर्फियां कहते थे यानी धन है? आपको जितना धन चाहिए आप धन लेकर के जाओ। आपको कार्य करने के लिए, काम करने के लिए जो व्यक्ति चाहिए, कारीगर चाहिए, वो आप कारीगर लेकर के जाओ, लेकिन एक वर्ष के अंदर आप बहुत सुंदर किला बनाना। दोनों अलग अलग दिशा में जाने के लिए तैयार हुए, तो पहले बच्चे ने कहा कि मुझे इतना धन चाहिए, इतना ये चाहिए, इतना ये चाहिए, इतना ये चाहिए, उसको दिया और वो एक दिशा में गया। दूसरे को कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे धन भी नहीं चाहिए, मुझे कारीगर भी नहीं चाहिए। तो न कारीगर लिया न धन लिया, वो दूसरी दिशा में गया। दोनों दिशा में अलग अलग जाकर के सुंदर किला बनाने लग गए। एक वर्ष हुआ तो गुरु जी ने उन दोनों शिष्यों को वापस बुलाया। उसके पिता ने कहा था कि अब बुला लिया जाए, हमें सुंदर किला देखना है। तो राजा ने जब बुलाया उनको तो पूछा कि दोनों का किला बन गया, तो दोनों ने कहा हाँ हमारा किला बन गया। तो कहा अच्छा आपका किला बन गया, तो कहा हाँ। तो पहले बच्चे को कहा कि तुम्हारा किला, तो वो पिता और गुरु उसके साथ जाते हैं और देखते हैं कि बहुत सुंदर एक किला बनाया हुआ है, बहुत सुंदर किला है। तो देख करके वे खुश हुए कि इसने बहुत सुंदर किला बनाया है। फिर दूसरे को कहा कि तुम्हारा किला, क्योंकि वो तो न धन लेकर गया था न व्यक्ति लेकर के गया था, तो कहा तुम्हारा किला। तो दूसरे ने कहा कि पिताजी आपको मेरा किला देखने के लिए ये वेशभूषा को चेंज करना होगा, माना जो राजाई पोशाक है आपकी, इस राजाई पोशाक को चेंज करना होगा, आपको साधारण वेशभूषा धारण करनी होगी। तो कहा किला देखने के लिए ड्रेस को बदली करने की क्या जरूरत है, तो कहा पिताजी थोड़े समय के लिए। तो पिता ने भी मान लिया और वो साधारण वेशभूषा में गए। वहां से लेकर के चलते चलते जा रहे थे, हर व्यक्ति का उन्हें बहुत प्यार, हर व्यक्ति का उन्हें बहुत सम्मान उस लड़के को मिल रहा था।
आधे रास्ते तक गए तो पिताजी ने कहा कि बेटा तेरा किला कहाँ है। तो बच्चे ने कहा कि पिताजी शुरुआत से लेकर के अब तक जो आपने देखा ये मेरा किला है, माना ये प्रेम का किला है। एक सुंदर सा मकान बनाओ तो उस सुंदर से मकान पर किसी की ईर्ष्या हो सकती है, किसी को द्वेष हो सकता है, किसी को कोई भावनाएं आ सकती हैं, लेकिन पिताजी ये प्रेम का किला है जिसके लिए किसी को ईर्ष्या, किसी को द्वेष या किसी को नफरत नहीं आ सकती है, ये प्रेम का किला है। तो उत्तराधिकारी आप समझ सकते हैं कि पिता ने किसे बनाया होगा। हम मकान तो बहुत अच्छा बना सकते हैं लेकिन प्रेम को अगर नहीं बना सकते, आसी प्रेम को जोड़ करके नहीं रख सकते हैं तो वो सुंदर मकान भी फीका होता है। इसलिए बाबा हमें सिखाते कि बच्चे हर आत्मा के प्रति अपने प्रेम की भावनाओं को रखना है। इसलिए बाबा ने जब हमें ज्ञान दिया ना तो ज्ञान देने के साथ दूसरा गुण हमारा आता है प्रेम स्वरूप। पहला है ज्ञान स्वरूप और दूसरा है प्रेम स्वरूप। तो ज्ञान को जब हम अपने जीवन में लाते हैं, ज्ञान का स्वरूप जब हम बनते जाते हैं तो उतना प्रेम आता, माना मैं आत्मा उतना प्रेम स्वरूप भी बनती हूँ। तो प्रेम स्वरूप बनने के लिए ज्ञान स्वरूप बनना वो बहुत आवश्यक है, यानी ज्ञान को अमल में लाना, ज्ञान को अपने जीवन के अंदर लाना, ज्ञान को आचरण में लाना, धारण करना, वो आवश्यक है। तो ज्ञान को जब आचरण में लाते हैं उतना हमारी आत्मा के अंदर वो प्रेम आता है, और जितना हमें प्रेम आता है उतना अन्य आत्माओं के कल्याण की भावना। देखो बाबा को भी हम बच्चों के प्रति प्यार आया तो प्यार आने के साथ बाबा ने हम आत्माओं का आकर के कल्याण किया, ज्ञान दिया, हमें प्यार दिया, हम आत्माओं का कल्याण किया। तो मेरे अंदर भी जब प्रेम जागृत होगा तब मैं आत्मा किसी अन्य आत्माओं के प्रति रहम की भावना ला सकती हूँ, दया करुणा की भावना, क्षमा की भावना हम ला सकते हैं। जहाँ प्रेम होता है वहां स्वाभाविक हमारा नेचर, वो नेचुरल नेचर हो जाता कि हमें दया आती है। नेचुरल नेचर ये हो जाता कि हम किसी की कमियों को, हम किसी की भूलों को क्षमा कर देते हैं। हाँ, शिक्षा जरूर देते हैं लेकिन शिक्षा के साथ साथ क्षमा, शिक्षा इसलिए दी जाती है ताकि वो अपने जीवन के अंदर दोबारा ऐसी गलतियों को ना करे, उससे वो अटेंशन रखे, वो उससे सावधान रहे। लेकिन शिक्षा देने के साथ साथ क्षमा भी रहती है। अगर हम उसे क्षमा नहीं करते हैं तो हमारे मन के अंदर उसके प्रति कोई ना कोई कमी वो सालों सालों तक चलती रहेगी। इसलिए बाबा कहते कि बच्चे बीता सो बीता, बीती बात को आप भूल जाओ, उसे लेकर के मत चलो, क्योंकि अगर बीती हुई बात को लेकर के हम चलते हैं तो हम उसे क्षमा नहीं कर सकते। तो मुझे क्षमा करना है और आगे बढ़ना है। वो क्या कर रहा है, मैंने उसे क्षमा किया, मैंने उसे माफ किया लेकिन फिर भी वो मेरे साथ ऐसा ही करता है, तो कोई बात नहीं, वो भले कर रहा है लेकिन मुझे उसके साथ वैसा नहीं करना, मुझे स्व पर अटेंशन रखना है। देखो अटेंशन न होने की वजह से ही हम किसी के प्यार को नहीं पा सकते हैं। तो मेरा खुद का अटेंशन हो और वो अटेंशन होगा तो मुझे आत्माओं से भी प्यार मिलेगा तो परमात्मा से भी प्यार मिलेगा। दोनों प्यार को पाने के लिए खुद पर हम थोड़ा ध्यान दें। इसके लिए बाबा हम कहते हैं कि प्रेम का पात्र बनने के लिए आज सदैव अपने आप को ट्रस्टी समझो। मेरा है, ममत्व है, मोह है, ये सब जागृत होता है लेकिन ये हम ट्रस्टी हैं, हम ट्रस्टी हैं, हम इसको सब संभाल रहे हैं, ये हमारे पास अमानत है। जहां अमानत होती है
तो हम बड़े प्यार से उस चीज को रखते हैं, उठाते हैं। जैसे किसी की भी चीज है तो उस चीज को भी हम बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि उसकी चीज है ना वो खराब नहीं होनी चाहिए, उसकी चीज है ना गिर ना जाए, टूट ना जाए। हम बड़े प्यार से उसे रखते हैं, क्योंकि वो मेरे पास क्या है, अमानत है और मैं ट्रस्टी हूं। तो क्या ऐसा निमित्त कि जो कुछ है वो सब बाबा का है, है? हम कई बार कहने में तो कह देते हैं कि ये तन भी तेरा, मन भी तेरा, ये धन भी तेरा। कई बार हम अपने अपने घरों पर भी स्टिकर लगा देते हैं, ये घर मेरे बाबा का, घर के दरवाजे पर बारी हमने लगा दिया कि घर मेरे बाबा का। माना ये घर मेरे लिए क्या है, अमानत है, मैं इसकी ट्रस्टी हूं, तो मुझे इसके साथ कितना प्यार से इसको संभालना है। तो इस घर के अंदर रहने वाले सदस्य वो भी तो बाबा के, क्योंकि घर मेरे बाबा का, तो घर के अंदर रहने वाले किसके, वो भी बाबा के हुए, तो उनके साथ भी मेरा प्यार होगा, क्योंकि मैं इनको संभालने के एक निमित्त हूं। और जहां निमित्त भाव होता है वहां हमारी नम्रता होती है, क्योंकि ट्रस्टी है, निमित्त है, माना मेरी नम्रता, हम उनके साथ झुक करके चलते हैं, एक झुकना स्वाभाविक हो जाता है। हम समझते क्या हर बार हमें ही झुक करके चलना है, हमें ही नम्रता को धारण करना है। हाँ, हमें करना है, क्योंकि देवता हम बन रहे हैं, सामने वाला देवता बन रहा है या नहीं बन रहा है हम उसके ऊपर कोई स्टैम्प तो नहीं लगाए हैं। बन भी रहा होगा, नहीं भी बन रहा होगा, मुझे उसमें भी जाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन बाबा ने मुझे कहा कि तू देवता बन रहा है, ये माँ वाक्य मेरे लिए है कि तुम देवता बन रहे हो। तो जब मैं देवता बन रहा हूं तो झुकना किसको है, नम्रता किसको धारण करनी है, तो नम्रता मुझे धारण करनी है। तो जितना हम नम्रता को धारण करते हैं, जितना एक दूसरे के साथ हम झुक करके चलते हैं, उतना सामने वाले के हम प्यार को पाते हैं। अकड़ करके चलेंगे तो कोई ना हमें रिस्पेक्ट देगा ना प्यार देगा। वैसे भी कहते हैं जो अकड़ करके रहता है वो तो एक मुर्दा है, अकड़ा हुआ कौन, सारा शरीर अकड़ा हुआ रहता है तो वो तो मुर्दा होता है, लेकिन फ्लेक्सिबल है माना वो जीवित है। तो मेरे अंदर नम्रता है माना मैं फ्लेक्सिबल हूँ, और मैं फ्लेक्सिबल हूँ माना मैं जीवित हूँ, तो मेरे अंदर हर आत्मा के प्रति प्यार है। हम देखिए हमारे कोने के अंदर प्यार नहीं है, ऐसा नहीं है, है, है। लेकिन उस प्यार को हम कभी दर्शाते हैं और कभी नहीं दर्शाते। हाँ, ये भी नॉलेज बाबा ने हमें जरूर दिया है कि कहाँ किस प्रकार से रहो, हर समय भी फ्लेक्सिबल। अभी जैसे देखो बाबा ने अभी अभी की मुरली में कहा कि कहीं क्रोध किया, कहीं कोई भूल किया तो उसका अटेंशन रखा कि दोबारा मुझे नहीं करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि काम विकार के लिए भी कहे कि बाबा ऐसा हो गया, नहीं, वो तो गिरा माना गिरा। क्रोध के लिए फिर भी कहते हैं कि कुछ मार्क्स आपके कम हुए, फिर आप पुरुषार्थ करेंगे, फिर आप शांति को धारण करेंगे, प्रेम को धारण करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन काम के लिए तो क्या कहा, गिरा तो वो गिरा, तो वो प्रेम तो नहीं प्राप्त कर सकता है, वो तो मां शत्रु है, तो उसके लिए इस प्रकार से नहीं कहा बाबा ने। तो यहाँ पर भी मैं देखूं कि मुझे कहाँ किस प्रकार से अपने जीवन के अंदर फ्लेक्सिबल होकर के रहना है, वो भी नॉलेज चाहिए। देखो एक रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति अगर संभाल करके ना चले तो वो खड्डे में गिर सकता है, लेकिन वो बड़ा संभल करके चलता है। तो ये ईश्वरीय मार्ग पर, ईश्वरीय राह पर भी हम चल रहे हैं, वो राह बड़ी सरल है, बहुत अच्छी है, परंतु इस राह पर कई मोड़ भी हैं, है सरल, अच्छी है, रास्ता अच्छा है, लेकिन कई मोड़ भी आते हैं, उन मोड़ों पर हमको समझ कर किस तरह चलना होता। देखिए पहाड़ी स्थानों पर आप कभी आबू गए होंगे इसमें से, या कोई जाने वाले होंगे तब देखेंगे, या आपके
अमेरिका में भी कुछ रास्ते ऐसे होंगे जो राउंड 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 बसेस या गाड़ियां जाती हैं, तो जब राउंड पर जाती है हर मोड़ आता है तो हर मोड़ के स्थान पर लिखा रहता है सावधान सावधान, कि अगर कहीं आपका ध्यान टूटा तो एक्सीडेंट संभव, इसलिए मुझे वहां कैसे संभल करके चलना। उस मोड़ पर गाड़ी चलाने वाला कितना संभाल करके चलाता है, सीधे रास्ते पर बड़ी आसानी से चला लेता लेकिन मोड़ के रास्ते पर बड़ी संभाल करके। तो हमारा ये सीधा रास्ता भी है, हम बहुत अच्छी तरह से भी चल सकते हैं, लेकिन यहाँ मोड़ जहाँ आता है वहां सिर्फ मुझे अपने जीवन को संभाल करके चलाना होता है। तो मैं अपने जीवन के अंदर अटेंशन रख करके चलूं तो मुझे इस मार्ग पर चलना आसान है, प्रभु प्रेम के पात्र बनना भी आसान है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि प्यार किया नहीं जाता लेकिन हो जाता है, तो बाबा से तो हम सभी का प्यार हो ही गया है। हम पात्र कैसे बने, तो अपने पात्र को आप साफ कर दें। आपके मन बुद्धि रूपी पात्र के अंदर न किसी साधन का, न किसी वैभवों का, न किसी व्यक्ति का, यानी इस देश से संबंधित जो भी चीजें हैं उन सभी चीजों से आपका ममत्व मिटा दो। जब तक यहाँ के साधनों से आपका ममत्व है, जब तक आपका यहाँ के व्यक्तियों के साथ ममत्व है, तो प्रभु प्रेम नहीं आ सकता। जैसे कहते ना कि एक म्यान के अंदर दो तलवार रहना वो संभव नहीं है, एक म्यान के अंदर एक ही तलवार रह सकती है। ऐसे ही या तो व्यक्तियों की याद रहेगी, व्यक्तियों का प्यार रहेगा, साधनों का प्यार रहेगा, और या तो बाबा का प्यार रहेगा। तो मैं किसको रखना चाहती हूँ? तो पहले हम हमारे मन को ये निश्चय कर ले कि मुझे परमात्मा प्यार को ही मेरे मन के अंदर रखना है। ये व्यक्ति सब थोड़े समय के लिए है, ये नाशवान है। शाश्वत प्यार और सदा का प्यार देने वाला तो वो एक बाबा है, बाकी तो विनाशी है। शाश्वत परमात्मा सदा सदा के लिए है, वो अविनाशी है। तो अविनाशी प्यार, बाबा अविनाशी तो प्यार भी अविनाशी है। तो वो अविनाशी प्यार पाने के लिए मुझे विनाशी देह और विनाशी देह के संबंध, देह के पदार्थ, देह की वस्तुएं, यानी ये दैहिक दुनिया, इनसे मुझे किनारा करना होगा। कई बार बाबा इसलिए मुरलियों में कहते हैं कि बच्चे आपने इस कलयुगी दुनिया से किनारा कर लिया है, आपका लंगर आपने खोल दिया है, तो हम सभी हाँ कह देते हैं। लेकिन फिर कहते क्या करें, चाहते तो हैं पर ऐसा हो जाता है, माना मैंने कहीं लंगर खोला नहीं है। इसलिए परमात्मा के प्यार का पात्र बनने के लिए आपको ये देखना होगा कि क्या मेरे मन के अंदर वो परमात्मा बसता है, वो परमात्मा मेरे मन के अंदर बसता है। परमात्मा जो वर्षा दे रहा है वो स्वर्ग मेरे मन के अंदर बसता है। तो जब वो बसेगा तो परमात्मा प्यार भी आएगा। दूसरा देखो, अपना एक सुंदर सा गीत है, बाबा की जितना ऊंचा है ना, तो कहते कि सागर से गहरा गगन से ऊंचा बाबा है प्यार तुम्हारा। तो क्या आपने जब इस गीत को गाया या जब इस गीत को सुना कि सागर से गहरा गगन से ऊंचा बाबा है प्यार तुम्हारा, अनुपम प्यार तुम्हारा है, तो क्या सचमुच उस सागर के गहरे प्यार का अनुभव वो मैंने अपने जीवन के अंदर किया? तो कहते हैं प्यार पात्र बनेंगे तो ना, तो पात्र कैसे बनेंगे है? मैं पात्र कैसे बनू? पात्र तो है, हम पात्र हैं, लेकिन पात्र को हम स्वच्छ रखें, पात्र को सत्यता से भरपूर कर दे,
तो जहां स्वच्छता है, जहां सत्यता है, उस पात्र में ही परमात्मा प्यार आ सकता है। जहां स्वच्छता नहीं, जहां सत्यता नहीं, जहां सत्य झूठ मिला हुआ है, वह प्रभु प्यार का अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसलिए बाबा के साथ सच्चे हो करके चले। वो सच्चा पिता है तो मेरा सच्चा संबंध हो, हर बात में मेरी सच्चाई और सफाई हो, मेरे मन की स्वच्छता हो, मेरे मन की स्वच्छता, मेरे दिल की सच्चाई, उस दिल की सच्चाई उस दिल तक ले जाती है। तो पात्र बनने के लिए दिल को सदा साफ रखो और दिल से सदा सच्चे बनो। तो जितना हम दिल से सच्चे होंगे उतना बाबा के प्यार को हम खींच सकते हैं। एक चुंबक अपनी और सुई को खींचता है, लेकिन वो कब खींचता है? जब सुई में जंग लगी हुई नहीं है, वो सीधी है, कोई जंग नहीं है, कट नहीं लगी है, तो वो चुंबक अपनी और खींच लेता, फटक से चटक जाता है। तो मेरे अंदर भी असत्यता की जंग ना हो, अस्वच्छता की जंग ना हो, सत्यता हो, स्वच्छता हो, सभ्यता हो, तो वहां प्रभु प्रेम मुझे अपने आप खींचेगा। तो हम इस बात को देखें कि मेरे अंदर ये बातें हैं जो मैं प्रभु के प्रेम के पात्र बन सकूं। मुझे पाना प्रभु का प्यार है, लेकिन मेरी आत्मा से मुझे जंक नहीं हटानी है तो मैं पात्र नहीं बन सकती हूँ। इसी जंक को हटाना आवश्यक है। कई बार हम कहते हैं कि अगर ये सारी भूलों को, कमियों को हटाएंगे तो बहुत समय जाएगा, तो तब परमात्मा के पात्र बन ही नहीं पाएंगे। नहीं, ऐसा भी नहीं कि मुझे लक्ष्य रखना है कि अच्छाइयों को मैं धारण करती जाऊं, करती जाऊं, करती जाऊं। अब देखो, जैसे ये सीट है, इस सीट पर मैं बैठी हुई हूँ, लेकिन मैं उठूंगी तब कोई दूसरा बैठ सकेगा, एक है ये बात। और दूसरा है कि कहाँ कहाँ इस प्रकार भी होता कि तीन चार जने एक सोफे पर बैठते हैं, लेकिन कोई आकर के बैठ जाता है कि वो खड़ा ही नहीं रह सकता, तो कैसे भी करके इतनी सी जगह में भी बैठ जाता है, तो दूसरा व्यक्ति क्या करता है? वो उठ जाता है ना। इसी प्रकार से मैं भी अपने मन बुद्धि के अंदर उस परमात्मा पिता को बिठा दूं। जहां बाबा बैठा हुआ होगा वहां अस्वच्छता आई नहीं सकती है, वहां असत्यता आई नहीं सकती है। तो सत्यता अस्वच्छता को बिठाना है तो पहले आप यहाँ बाबा को बिठा दो कि मेरे यहाँ बाबा। बाबा कहते ना कि बाबा को कितनी जगह चाहिए है? देखो, ब्रह्मा के तन में आता है, लोन लेकर के आता हूँ, उसका किराए का मैं मकान लेता हूँ, लेकिन मैं इतनी सी जगह में बैठता हूँ, तो उसको तो इतनी सी जगह चाहिए। तो आपके मन और बुद्धि में वो कितनी जगह लेगा? ज्यादा थोड़ी लेगा, वो भी थोड़ी सी जगह लेगा। तो थोड़ी सी जगह के अंदर आप भी अपने साथ बाबा को बिठाओ। हम गीत बहुत अच्छा गा लेते हैं, सुन लेते हैं कि तुम तो यहीं कहीं बाबा मेरे आसपास हो, तो सचमुच क्या ये मेरे जीवन की धारणा है कि मेरे आसपास बाबा है? अगर मेरे आसपास बाबा है, मेरे जीवन में मेरा बाबा साथ है, तो माया मेरे पास आई नहीं सकती है। आएगी भी तो सोचेगी कि मैं कहाँ जाऊं, कहाँ गई हूं मैं, यहाँ तो मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन मैंने बाबा को आसपास नहीं बिठाया, मैंने बाबा को साथ नहीं बिठाया, तो माया मेरे आसपास है, तो वो प्रभु प्रेम को मुझे खींचने नहीं देगी। प्रभु प्रेम को खींचना है तो इस मन मंदिर के अंदर उसे थोड़ा सा स्थान दे दो, उसे बिठा दो है? तीसरी बात ये भी आती है कि परमात्मा के प्यार को अगर पाना है तो जिस भी कर्म को आप करते हो तो उस कर्म को करने से पहले आगे बाबा को रखो कि बाबा पहले आप और आपके साथ मैं हूं। और मैं कर्म कर रही नहीं, जिसको बाबा कहता करण करावन हार बाबा करा रहा है, तो करण करावन हार बाबा करा रहा है,
जब ये स्मृति होगी तो उसका प्यार भी अपने आप मिलता जाएगा। इसलिए ये भी कहा जाता है कि परमात्मा का प्यार ऐसा है जिसका अनुभव हम मात्र कर सकते हैं, जिसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। जब वर्णन करने की बात आती है, परमात्मा के प्यार के वर्णन करने की बात, अगर किसी को आप कहो कि बाबा के साथ आपका प्यार कैसा है, तो उनके नैन भर आते हैं, वो गीले हो जाते हैं, प्रेम के अश्रु बह जाते हैं। तो समझ में आ जाता है कि उसका बाबा के साथ प्यार कैसा है, वो नैनों से बरस जाएगा। प्रेम एक शब्दों के रीति से अनुभव में नहीं आता है। ऐसे ही हम भी अपने आप को देखें कि मुझे प्रेम का पात्र बनना है, तो मुझे अपने दिल के अंदर उसे स्थान देना है, अनुभव अपने आप हो जाएगा। हम देखते हैं कि एक छोटा बच्चा एक खिलौने से खेलता है, तब तक तो ठीक है, लेकिन वो बच्चा किसी ब्लेड से खेलने लग जाए तो आप सोचेंगे कि अरे इस बच्चे को ब्लेड लग जाएगा। भले माँ नहीं भी है, कोई भी सामने है और बच्चे को ब्लेड से खेलता हुआ देखे तो वो क्या करेगा? वो ब्लेड उसके हाथ से लेने के लिए सीधा नहीं लेता है, लेकिन उसके आगे कोई दूसरी चीज रखता है। जैसे वर्तमान समय मोबाइल है, तो बच्चों का ध्यान कहाँ करते हैं? मोबाइल में कुछ ना कुछ खोलते हैं, दिखाते हैं, उसकी घंटी बजाते हैं या कुछ ऐसी चीजें खोलते हैं जिसका ध्यान बच्चे का उसकी तरफ जाता है और वो ब्लेड गिर जाता है, आप बड़ी आसानी से उठा लेते हैं, क्योंकि आपका उस बच्चे के प्रति क्या है? प्यार है। भले वो आपका नहीं है, लेकिन छोटे बच्चे के प्रति प्यार हर एक को होता है, तो उस बच्चे को लगे ना, इसलिए हम ये युक्तियां अपनाते हैं। तो बाबा ने भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये कांटे मुझे ना लगे, इसलिए कांटे ना लगे ये उसने बाद में बताया, लेकिन उसने पहले मुझे स्मृति दिलाई कि आत्मा तू ज्ञान स्वरूप है, तू प्रेम स्वरूप है, तू आनंद स्वरूप है, तू सुख स्वरूप है। ये खिलौने दिए, पहला लेसन ही आपका बाबा ने ये कराया कि आत्मा और आत्मा के ये गुण। उन खिलौनों को जब हम देखने लगे देखने लगे देखने लगे तो काम क्रोध लोभ रूपी जो ब्लेड है वो कब कहाँ गिर गया हमें पता ही नहीं चला, बड़ी आसानी से गिर गया क्योंकि हम उस खिलौनों को देखने लगे। तो कितना आसान तरीका बाबा ने प्यार देने का अपनाया कि हमें गुणों की स्मृति दिलाई। तो क्या मैं परमात्मा के पात्र बनने के लिए मैं परमात्मा के गुणों का वर्णन करूं, परमात्मा की महिमा करूं कि वो गुणों का सागर है, उसकी महिमा परम अपार है, कमाल है बाबा की जो बाबा ने हमारे जीवन को ऐसा बना दिया है। तो बाबा की जितनी हम महिमा करते जाएं उतने हम परमात्मा के प्यार के पात्र बन जाते हैं। तो चले अपने मन के अंदर बहुत थोड़ी देर के लिए भी विचार करें, संभव हो तो हर बातों से अपने मन और बुद्धि को आप हटा दें। कुछ समय के लिए अपने ब्रिकुटी के सिंहासन पर आप विराजमान एक आत्मा है, उस स्मृति में खो जाए, विचार करें। बाबा विशेष मुझ आत्मा के लिए मुझे प्रेम देने के लिए परम धाम से इस सृष्टि पर आया, मुझ आत्मा को आकर के ये ज्ञान दिया पहली स्मृति दिलाई, ये बच्चे तुम यह देह नहीं,
इस देह से न्यारी एक चैतन्य शक्ति आत्मा और ये आत्मा सातों गुणों की स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, साथ साथ बाबा ने यह भी स्मृति दिलाई, ये बच्चे मैं तुम्हारा बाप, टीचर और सतगुरु हूं। तुम्हारे सर्व संबंध वो मेरे साथ है। अपने मन के अंदर विचार करें, क्या मैंने बाबा के साथ सर्व संबंधों को जोड़ा है? वो प्यार का सागर बाबा बड़े प्यार प्यार से आपकी जीवन को श्रेष्ठ बना रहा है। आप अनुभव करें कि बाबा ने मेरे जीवन को इन विकारों से मुक्त, बुराइयों से मुक्त, अवगुणों से मुक्त कर मुझे स्वयं बाबा बाप समान बना रहा है। सर्व गुणों से संपन्न बना रहा है। बाबा मुझ आत्मा को बहुत प्यार कर रहा है। आप भी अनुभव करते हैं कि बाबा का प्यार मैं आत्मा प्राप्त कर रही हूं। बाबा के प्यार से आपका तन और मन शीतल होता जा रहा है। बाबा के प्यार से आप आत्माएं सत्य स्वरूप बनती जा रही हैं। अब आप निश्चय करें कि मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई।
सच्चा सुख, सच्चा प्यार समर्पण में है। मैं बाबा के प्यार में तन मन धन सर्व से समर्पित हूं। समर्पित होना मन कुर्बान जाना, यही अनुभव करें। यही संगम युग है जब बाबा की छत्र छाया में सेफ रहते हैं। बाबा की छत्र छाया में माया वार नहीं कर सकती। बाबा की छत्र छाया में मैं माया जीत जगत जीत आत्मा हूं। मैं आत्मा फील करती हूं कि बाबा जितना प्यार, बाबा जैसा प्यार दुनिया में कोई नहीं दे सकता। कल्प कल्प परमात्मा प्यार की मैं अधिकारी आत्मा हूं। परमात्मा प्यार ये मेरा अधिकार है। आप परमात्मा प्यार में, सच्चे प्यार में खो जाइए। ऐसा प्यार ना कभी मिला है और फिर ना कभी मिलेगा। अपने संकल्पों में दृढ़ता लाइए। मैं वही कल्प पहले वाली परमात्मा प्यार के पात्र आत्मा हूं। निश्चय है कल्प पहले भी आप मेरे जीवन साथी थे, सच्चे सहारा थे और आज भी आप जीवन साथी हैं, जीवन के सच्चे सहारे हैं। इस सच्चे साथी, सच्चे सहारे को हम सदा साथ रखें, सदा साथ रहें।
चले अब पुनः अपने कर्म क्षेत्र पर उपस्थित हो जाए, यही संकल्प करते हुए कि आज हम बाबा के साथ, बाबा के पास प्यार का अनुभव करेंगे। ये प्यार ही मुझे वर्षे का अधिकारी बनाएगा। ओम शांति। इस प्रकार से हम अपने मन के विचारों को करते हुए प्रभु प्रेम के पात्र बन सकते हैं। साथ साथ बहुत अच्छे दिनों से आपका मिलना हुआ है, जहां कहते हैं कि विश्व के अंदर दिवाली मनाई जाएगी, घर घर के अंदर दिए जलाए जाएंगे। ऐसे समय पर बाबा ने जो हम आत्माओं के दिए जलाए हैं, हमारे लिए तो बाबा कहते हैं बच्चे रोज दिवाली है, रोज खुशियां हैं। फिर भी दीपावली से संबंधित दिनों में आप हम सभी मिले हैं, तो न सिर्फ मेरी ओर से, लेकिन मेरे साथ साथ यहाँ क्लास के भाई बहने बैठे हैं, जैसे आप वहाँ क्लास में बैठे हो, वैसे यहाँ पर भी हमारे साथ क्लास के भाई बहन बैठे हैं। उन सभी की ओर से आप सभी को दीपावली की भी हार्दिक शुभकामनाएं, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, नई आशा की किरण अपने मन के अंदर जागृत करें, नए संस्कारों को, नए उमंग उत्साह को धारण करते हुए नई जीवन बनने की प्रेरणा औरों को देते हुए सदा आगे बढ़ते रहें, यही शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और साथ साथ आपके लिए हम दिवाली की गिफ्ट टोली लाए हैं, आप दूर बैठे हुए देख सकते हैं टोली को, दिवाली का दीपक भी देख रहे होंगे। साथ साथ आप देखिए, आप सभी के लिए, सारे क्लास के भाई बहनों के लिए, आप सभी शायद हाथ लंबा करेंगे तो आपके हाथ में आ जाएगी, और आप सभी का मुख भी वाह कितना अच्छा हाथ किया, तो हम भी आपको दे रहे हैं। सभी टोली को स्वीकार करेंगे, आप सभी के लिए सुंदर सुंदर पैकेट तैयार है, और आप जरूर इस पैकेट को खा करके दिवाली के इस त्योहार को मनाएंगे, अपने मुख को मीठा करेंगे। और हमारी हेमा बहन और सबकी साथी हेमा बहन, थैंक यू दीदी। देखो देखो दीदी कितने खुश हो गए, है ना, आप टोली लेके आए, ब्लेसिंग लेके आए, देखो सबकी सूरत कितनी खिल गई, है ना दीदी। खुल सेंटर के लिए विशेष ये टोली है। थैंक यू। छोटा सा एक दीपक है जो जला करके अवश्य आप दिवाली मनाएंगे। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच, शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच दीदी, आपने कितनी कितनी अच्छी अच्छी प्यार की बातें सुनाए। हर एक अपने अभी सोते समय वो क्या करेंगे, हमारे तो भी आराम का टाइम हो गया ना, हमारे न्यूयॉर्क तरफ से रात का 10 बज गया है, तो वो लोग सोते सोते बाबा ने जो प्यार दिया है, प्यार के खिलौने दिए हैं, इन खिलौनों से सोते सोते वो सोचते सोचते उस पर सो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, आपने इतना कम कीमती समय दिया। वैशाली बहन अभी यहाँ नहीं है, लेकिन उसने खास खास आपको याद दी है, तो तहे दिल से हम सब आपको एक हाथ से वेव करते और दिल से थैंक यू बोलते हैं। और ऐसे ही दीदी आते रहना, हम सबको सारे भाई बहनों को अमेरिका बुला लिया विदाउट फ्लाइट, हमारे सारे भाई बहन को अमेरिका पहुंच गए हैं, सैन फ्रांसिस्को पहुंच गए, है ना, और विशेष आपके अनुभूति सेंटर पर। आप देखो कितने खिल खिल गए आपको देख करके, देखो हंसते है ना, सब खुश। थैंक यू दीदी, थैंक यू, शांति शांति, ओम शांति दीदी।